तो फाइनली गाइस आपका भाई पहुंच गया है हुस्न परियों की राजधानी हमीरपुर में। वाह, बड़े दिनों के बाद आपका भाई हमीरपुर आया है। आप देख सकते हो भाई, ओ भाई साहब, लोग ले हुए हैं दारू खरीदने, और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा व्यू दिखने को मिल रहा है हमें हमीरपुर में एंटर होते ही। पर एक बाइक लगानी है साइड में, बट साइड में खड़ा है पुलिस वाला, ये कर देगा मेरा चलान। तो गाइस आपको बता दूं मैं कि हमीरपुर में प्यार और चलान कभी भी हो सकता है दोस्तों। ठीक हो, ये हमारे दो भाई, इनसे पहले मिला मैं। और तो गाइस स्वागत है सबके नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करते सब अच्छे होने, मौज में होने। अभी आपका भाई आ रखा है बिलासपुर, और दिस स्टेशन इज कंद्रौर। अभी कंद्रौर हूँ मैं, एक्चुअली जरूरी काम से गया था मैं रिलेटिव्स के पास बिलासपुर, अभी वहीं से वापस आ रहा हूँ। और भाई गर्मी से बुरी हालत हो रखी है, तो चलते हैं यहाँ से आगे, रुकते हैं कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा ट्रैफिक जाम लग रहा है। एक्चुअली पहले मैंने गोप्रो नहीं लगाया था हेलमेट पे, और यहाँ पे क्या हो रहा था कि मेरे को ना बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर मिल रहे थे। मैं कह यार फिर तो गोप्रो लगाना चाहिए मेरे को, सवा तीन हो रखे हैं भाई। तो चलते हैं भाई यहाँ से आगे को धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं, घर जाना है। घर जाके अपने कपड़े लेने हैं थोड़े बहुत, और फिर निकलना है अपने को हमीरपुर के लिए। ओह भाई साहब, बड़े दिनों के बाद आ रहा हूँ दोस्तों मैं इस रोड पर। और ये जो ब्रिज देख रहे हो आप, ये है कंद्रौर ब्रिज, देख सकते हो आप पानी काफ़ी ऊपर तक आ रखा है। देखिए अभी यहाँ से एक घंटा लग जाना है मुझे घर पहुंचने में। भाई हाथों में दर्द हो गया मेरे कसम से, यहाँ पे ना इस बाइक को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से यहाँ पे ना भाई खड्डे खड्डे हैं, रोड का में खड्डे ज़्यादा है ऐसा ही ना। यहाँ पे आप देख ही सकते हो दोस्तों, ये सही नहीं है यार, ये सही नहीं है। हालत ख़राब हो जाती है अगर मेरे को बाइक नीचे निकालनी पड़ जाए ना रोड से, भाई मेरे को ये बिल्कुल खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि रोड से और ज़मीन में जो गैप है ना वो कम से कम एक फुट का गैप है गाइस। तो देख सकते हो आप नज़ारा, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर शातलाई रोड देख सकते हो आप। हरिओम, जय श्री राम, जय माता दी, जय भोले। तो गाइस टाइम 4:30 हो गया और आई एम रेडी, तो करते हैं बाइक स्टार्ट और निकलते हैं यहाँ से। हर हर महादेव, हाथ मुँह धोए, अब थोड़ा सही लग रहा है, मजाक नहीं पाया तो भाई पूरा बह रहा था ऐसे, किसी नया से ऐसे जा रहा था नीचे तक। ठीक है, चलो मेरे भोले के भक्तों करते हैं बाइक स्टार्ट और निकलते हैं यहाँ से। हर हर महादेव जी, चलो वॉश करवाऊँ या नहीं करवाऊँ रहने देता हूँ, बस इसकी करवानी है मैंने चेन टाइट, बिकॉज चेन इसकी बहुत लूज़ हो रखी है और सूखी पड़ी है, तो इसको करवा लेंगे आगे बड़सर में, और वॉश में दिखता हूँ अगर करवाना का मूड करा तो करवा देंगे, वरना रहने देंगे, क्योंकि आपको पता बरसात हो रही है बहुत ज़्यादा। घर से निकल चुका हूँ और ऑफ रोडिंग के मज़े ले रहा हूँ दोस्तों, लेह लद्दाख के मज़े ले रहा हूँ मैं अपने गांव की इस छोटी सी रोड पे। आपको बता दूँ दोस्तों, ये मेन रोड है, ये लिंक करती है आपको हमीरपुर से और ऊना से, ये बिलासपुर टू ऊना को कनेक्ट करती है। और इसका ऑल्टरनेटिव जो रोड है वो है दोस्तों, जो भोटा के आता ना, भोटा हमीरपुर ऊना वाला वो है। तो इसकी हालत आप देख सकते हो, बिल्कुल खस्त है, खस्सी लोग हैं साले खस्सी। गौतम गौतम तेरी बहन का तेरी, ओ भाई साहब। सो गाइस हम पहुंच गए हैं बड़सर, दिस स्टेशन इज़ बड़सर, और गाड़ी वाले ने कर दिया था ठड़सर, बच गए बार बार लगा हुआ भाई वो मोड़ पे वोटे के लेने। सो गाइस ये ऊपर वाला जो रोड दिख रहा ना आपको, दिख रहा है तो ये जय हो कावड़ी ऊपर वाला रोड चला गया दोस्तों ऊना के लिए। ओके, तो अपन ले रहे हैं कांगड़ा वाला, नीचे वाला, ये कांगड़ा को जाता है जैसे। वाह साहब, और हमीरपुर यहाँ से 40-50 किलोमीटर नहीं, 30-35 किलोमीटर समथिंग इतना होना यहाँ से। और मुझे यार बाइक की चेन टाइट करवानी है, पर मुझे लगता है कि अब तक तो भाई शोरूम बंद हो गया होना, बिकॉज द टाइम इज़ 5:30 इन द इवनिंग। और हाँ जानते हैं सारे आपके भाई को, कोई चिंता ही नहीं है किसी भी चीज़ की। ओके सो करवाते हैं चेन टाइट, इसकी बहुत लूज़ हो रखी है, खड़खड़ खड़खड़ कर रही है भाई। और भाई जी ठीक वाजी, बढ़िया बढ़िया, चेन लूज़ है इसका, चेन टाइट करना, हाँ बाकी ठीक है सारा, बाकी इसकी सर्विस होनी है वो करवाएंगे अपन चंडीगढ़ में। ठीक है, जाम लग गया दोस्तों जाम, क्या हाल है
अरे बस वाला क्या कर रहा है यार, साइड में लगा ले मेरे भाई। मजा आ गया जब से मैंने वो देखा ना कैरी मिनाटी वाला ब्लॉग मेरा ना ऑटोमेटिकली उसकी तरफ ब्लॉग करने का मन कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जूते पहने, ये भी सोने के हैं, अंबानी मेरे उस पर, मतलब क्या ही, मतलब खतरनाक भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ है यार वो। मज़ा आ गया देख के। सब्सक्राइबर क्या बात है, दिस इज द रियल लव गाइस, ये है सच्चा प्यार, फैन फॉलोइंग मैन। और भाई जी क्या हाल है, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। और तो ठीक हो? ये हमारे दो भाई, इनसे पहले मिला मैं, और हाँ साथ हैं सारे। ठीक है ठीक है, अभी आप वहीं से आप पीछे से आ रहे थे ना? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं हमीरपुर जा रहा हूँ अभी। हाँ जी हमीरपुर में, वहाँ पे। हाँ जी यूट्यूबिंग, ठीक है बढ़िया करो। नहीं वो धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात नहीं, वो तो बहुत चलता रहता है, वो कुछ नहीं है। अच्छा आप सारे यहीं के हो ना लोकल? अच्छा जी सलोन ही ना। अच्छा पहले एक पुलिस वाला भी होता था यहाँ पे, हैं सिंह ना, खतरनाक बंदा भाई, खतरनाक बंदा यहाँ पे होता खड़ा, वो साइड में लगा। हैं बहुत फेमस। ठीक है चलो ठीक है भाई, तो क्या बात है यार, दिल खुश हो गया मैन, दिल खुश हो गया। वाह ये तो मैंने हल्के में ले ली राइड, वाह आधे से ज़्यादा तो भाई मैं कवर नहीं कर पाया, मेरे को बड़ा दुख हुआ कि जिस टाइम मैंने बिलासपुर में गोपुर नहीं लगाया था भाई, उस टाइम मेरे को कवर करना चाहिए था। काफ़ी दोस्त मिले मेरे को अपने, सब्सक्राइबर दोस्त है ना, ये भी ठीक है वर्ड ना। सो फाइनली गाइस आपका भाई पहुँच गया है हुसन परियों की राजधानी हमीरपुर में। वाह बड़े दिनों के बाद आपका भाई हमीरपुर आया है, देख सकते हो भाई। ओ भाई साहब लोग ले हुए हैं दारू खरीदने, और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा व्यू दिखने को मिल रहा है हमें हमीरपुर में एंटर होते ही। ओ माय गॉड, और सामने से हरे रंग की बस भी आ रही है दोस्तों, और ये बस है दोस्तों HRTC की। तो बाइक लगानी है साइड में, बट साइड में खड़ा है पुलिस वाला, ये कर देगा मेरा चलान। सो गाइस आपको बता दूं मैं कि हमीरपुर में प्यार और चलान कभी भी हो सकता है दोस्तों। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं नदौन चौक में, इस चौक को कहते हैं नदौन चौक, और ये ब्लॉग यहीं तक था, और आगे की बकचोदी करेंगे दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। सो दोस्तों इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। एक तो अच्छी बात यह है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा धूप नहीं है तो मज़ा आ रहा है ब्लॉग करने में, तो ब्लॉग में ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, साइनिंग ऑफ।